रायसेन में वन विभाग के अमले ने बड़ी मात्रा में सागौन की तस्करी पकड़ी है। जब्त लकड़ी की कीमत 1,25,000 रुपए बताई जा रही है, वहीं अवैध सागौन के साथ 10 लाख रुपए कीमत की एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वन अमले को चकमा देकर भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र पश्चिम सिलवानी के अंतर्गत बीट धौलपुर में अवैध रूप से सागौन इमारती वनोपज परिवहन करते हुए जब्ती की कार्यवाही की गई, तो वही विभाग ने तस्करों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की। साथ ही वन विभाग फरार आरोपियों की तलाश कर रहा है। ये रात्रि में अवैध कटा की सूचना पे एक पिकअप वाहन जिसका नंबर MP05ZC8809 है, इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए और इसमें 2.5 घन मीटर के आसपास लकड़ी जब्त की गई है, जो कि लगभग 1 लाख रुपए की है, और इसमें 10 स्टाफ का सहयोग रहा है। और ये धौलपुर बीट का मामला है और अभी अग्रिम उसकी विवेचना जारी है।